तो मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई अपनी स्ट्रेटजी बताओ, हम अपना तुम्हारी स्ट्रेटजी पर हम भी ट्रेड लेंगे, क्या है तुम्हारी स्ट्रेटजी और तुम्हारा विनिंग रेट इतना, सक्सेस रेट इतना ज़्यादा कैसे है। तो देखेंगे, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ लेकिन देखते हैं इसको कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग सिर्फ स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के पीछे पागल रहते हैं और उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना या थोड़ा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ें सारी बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ें ही हमें पैसे कमाने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा 3,000 का लॉस कैसे हुआ और इसके पीछे मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, आज ये सारे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 25 क्वांटिटी 626 के भाव पर सेल किया था, फिर उसको बाय कर कर मैंने पोजीशन कट किया था और एक मैंने 100 क्वांटिटी का, लेकिन यहाँ पर मेरा ऑर्डर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ पर बिड में भी कुछ ऐसा दिखा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था। आप इसका डेली मैं आपको इसी वीडियो में इसका डिटेल में बताऊंगा मैंने यहाँ पर क्या देख कर सेल किया था और इतनी हेवी क्वांटिटी में क्यों सेल करने वाला था। तो यहाँ पर मुझे करना था सेल लेकिन मुझसे हो गया बाय, और आपको पता है जहाँ से मैं सेल करता हूँ वहाँ से मार्केट थोड़ा 10-20 पॉइंट करेक्शन लेता ही लेता है। तो यहाँ पर बहुत फाइनल ट्रिगर था, इसीलिए मैं 500 क्वांटिटी लेकर कूद गया था, लेकिन मुझसे हड़बड़ी में सेलिंग की जगह बाइंग हो गया और यहाँ पर मैंने फिर मेरा 3,000 का लॉस बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ से फिर एक मिनट भी रुका नहीं, स्टॉक सीधा 30-40 पॉइंट नीचे आया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गांधी ट्यूब में 309 क्वांटिटी टोटल सेल किया था। और यहाँ पर मैं सेल कर कर क्यों बैठ गया था ज़्यादा देर इसको होल्ड करके, और यहाँ पर मैंने फिर अपना लॉस रिकवर करके फिर 500 रुपये प्रॉफिट कैसे बनाया, ये आपको मैं चार्ट में क्लियर समझाने वाला हूँ आज। तो उसके बाद मैंने कुछ छोटे मोटे ट्रेड लिए लेकिन 5-10 क्वांटिटी में किए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 810 के रेट पर सारा क्वांटिटी बाई कर लिया जो सेल किया था, तो यहाँ पर मुझे 3600 का कुछ प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल दिखाने वाला हूँ कि और इसमें मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी पूरी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे चार्जेस भी 400 रुपये के लगभग गए हैं, तो आज थोड़ा ओवर ट्रेडिंग ही हो गया था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए हमारे चार्जेस भी ज़्यादा लगे। तो यहाँ पर 711 का प्रॉफिट है हमारा टोटल। तो सबसे पहले मैं मेरे आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या देखा और आपको भी क्या देखना है और आपने आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। और मार्केट में हमें जब पैसा कमाना है तो जब स्मार्ट लोग कैसे सोचते हैं उसी तरह से हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला को जो स्टॉक सेल करने के लिए चुना था वो आसिया इंडिया कुछ तो नाम है उसका, ठीक है नाम कुछ भी रहने दो। देखिए आप एक चीज़ इसको देखिए, मैं आपको डेली कैंडल स्टिक में यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी डेली की मूवमेंट देखिए, ये एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, ये ना ही डाउन ट्रेंड में है और ये ना ही अप ट्रेंड में है। पहले एक बात क्लियर हो गई कि ये स्टॉक कुछ ट्रेंडिंग नहीं है, अगर अप ट्रेंड रहता है तो ऐसे सेल नहीं करना है। अप ट्रेंड का कोई स्टॉक रहता है तो उसको आपको सेल नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि वो अपर पर अपर ही लगाने जाता है स्टॉक। तो ये स्टॉक एक रेंज में फंसा था तो इसी का हमने फ़ायदा लिया था। तो देखिए यहाँ पर एक इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस कहा था, ये भी देखिए आपने, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के कैंडलस्टिक पर शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या देखा और क्यों सेल किया था इस स्टॉक को। तो देखिए ये स्टॉक एक रेंज से बाहर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्विंग ट्रेडर रहते हैं जो पीछे, यहाँ पर जितने भी स्विंग ट्रेडर जो स्विंग पर बाय करते हैं तो वो लोगों को आज अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। और वो क्या होता है, जब भी ये ऐसे स्टॉक में कभी कभी मूवमेंट आता है तो इसका रिजल्ट भी आने वाला है एक दो दिन में, तो इसमें आज मूवमेंट आ चुका था इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, वो भी बात कन्फर्म हो गई थी, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, और ये स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है, ये दूसरा कन्फर्मेशन था। हाई प्रोबेबिलिटी मेरे ट्रेड में इसी तरह होती है, अगर आज ये 500 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती तो कम से कम मैं 10,000 का तो प्रॉफिट इसमें ज़रूर बुक करता। तो यहाँ पर फिर मेरी गलती हो गई, तो एक बार इसमें 3,000 का लॉस होने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तो अगला मैं स्टॉक अगले स्टॉक में मैंने क्या देखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर बार एक स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं होती, मेरे अलग अलग स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सेल करता हूँ और मैं बाइंग नहीं करता, आपको भी पता है। ज़्यादातर मैं सेलिंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, क्विक मोमेंटम मुझे मिलता है और मुझे मोमेंटम में ही ट्रेड करना पसंद है।
तो देखिए मैं आपको अगला स्टॉक बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 300 क्वांटिटी, इतनी हेवी क्वांटिटी क्यों, मैं 50-100 क्वांटिटी वाला बंदा आज बड़ी क्वांटिटी क्यों मारे थी। तो देखिए इसका भी आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसने एक ही कैंडल में 100 रुपये की एक कैंडल बनाई थी, लेकिन ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, ये अप ट्रेंड में है, और ये बहुत ही रिस्की ट्रेड था। रिस्क इसमें ज़्यादा क्यों था ये भी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने जल्दी इसमें से एग्जिट क्यों किया ये भी आपको बताता हूँ। तो ये स्टॉक का एक बिहेवियर है, ये स्टॉक जब भी बढ़ता है 100, अगर 120 100 पॉइंट बढ़ता है तो 30-40 पॉइंट ये रिट्रेसमेंट भी रहता है। तो इसका पिछला चार्ट की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन इसका डेली चार्ट देखेंगे तो ये धीरे 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 ऊपर की साइड पर शिफ्ट हो गया था। और इसका रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने 4-5 बार इसको इसने टेस्ट किया था, और आज फाइनली इसने ब्रेक भी किया था। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रहता, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर फॉल नहीं करता, तो इस स्टॉक में आज अपर सर्किट लग सकता था, और तब मैं इस स्टॉक को इग्नोर करने वाला था। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिर रहा था और ये स्टॉक बढ़ गया था, और इसने, मुझे पता था कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है स्टॉक, तो इसीलिए मैं इसमें घुस गया था। लगभग 309 क्वांटिटी मैंने टोटल की थी रेजिस्टेंस तक, लेकिन वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया, और जब दोपहर में मार्केट ज़्यादा गिरा तो ये स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा गिरा, ये भी वहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट गिरा। अगर मैं रुका रहता तो मुझे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट भी रहता, लेकिन ऐसा नहीं सोचने का, हमें जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही लेने का। यहाँ पर कभी कभी उल्टा भी हो सकता था, ये स्टॉक अपर सर्किट भी हिट कर सकता था। तो यहाँ पर आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से काम करना है। और ये स्टॉक में और एक पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न बहुत खतरनाक होता है। अब जब ट्रेंडिंग रहता है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग शॉर्ट सेलिंग में बड़े लॉस इसी वजह से होते हैं कि थोड़ा स्टॉक का बिहेवियर भी हमें थोड़ा पता चलना चाहिए। तो आज के दिन इतना ही लर्निंग, अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको सेटअप कैसे बिल्ड करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको कैसे सोचना है। और मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ, मैं दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं करता। और एक बात, अगर किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ है तब उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि न्यूज़ वाले स्टॉक का चार्ट को ठीक से फॉलो नहीं करता, वो सेंटिमेंटल चलता है, तो इसीलिए उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और थोड़ा एक मेरे सेटअप को समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर और एक पैटर्न बन रहा था, अगर आप इस पैटर्न में ट्रेड करते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो।